सो इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं जब आप अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने वाले हो, और ये वीडियो उनके लिए है जो आप अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। और क्योंकि जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, आप एक अननोन जगह पे आ रहे हो, अननोन चीज़ करने वाले हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं जब आप अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम वो ये होता है कि जब भी आप, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या आप सेल्स के बैकग्राउंड से हैं या मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंजीनियर हैं, आपने एक इंजीनियरिंग का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू किया, और अगर आपको ये पता नहीं कि लीगैलिटी क्या है, नाम कैसे रखना है, ट्रेडमार्क इशू क्या होता है, तो इस जगह पे आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि बाद में आप ये नहीं चाहते हो कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया, 3-4 साल बाद आपके ऊपर कोई लॉ सूट आ गया या आपके अगेंस्ट में कोई पुलिस केस चल रहा है। तो इस जगह पे लीगल जो स्ट्रक्चर है आपके बिजनेस का, लीगल स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या ओनरशिप है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कितना भागीदारी है, कितना स्प्लिटअप है आपके ओनरशिप का, और यहाँ पे ट्रेडमार्क का इशू नहीं होना चाहिए, नाम का इशू नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से आप अपने ब्रांड को, अपने नाम को, अपने बिजनेस एंटिटी को आप एक लीगल स्ट्रक्चर आपको देना चाहिए, और आपके पास ये जो विजन है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपके पास अगर आपका कोई पार्टनर है या पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी है या इन्वेस्टर है, तो उनके साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा वर्बल कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी डिस्कशन होगा, जो भी होगा, वो रिटर्न में होगा, एक लीगल स्ट्रक्चर में होगा, तब ताकि जब आप में कोई स्प्लिटअप होता है या बिजनेस बेचने वाले हो या बंद करने वाले हो, तो यहाँ पे आपका वोस्ट के सिनेरियो पूरा लिखा हुआ रहेगा कि हाँ ये हुआ है, ऐसे ऐसे ये जो स्प्लिटअप है या बिजनेस को ओनरशिप का जो स्प्लिटअप है इस तरीके से होगा, किस तरीके पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर रहेगा, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई मतलब आपको फिर पुलिस के पास जाना ना पड़े या आर्बिट्रेटर के पास जाना ना पड़े ये चीज़ को उलझाने के लिए या सुलझाने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो या सोच रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो वहाँ पे पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसा ठीक है, ये एक बहुत ही एक बड़ा फैक्टर है, बट पैसे के साथ साथ आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, फाइनेंशियल कैपिटल होता है, नेटवर्क कैपिटल, बहुत सारे कैपिटल जो आपका जो एसेट है वो आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को सेटअप करने में, उसको ग्रो करने में, उसको चलाने में। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके पास कैपिटल पर्याप्त मात्रा पे होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं, आपके पास 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, जो भी हो वो मैटर नहीं करता है। बट अगर आपके पास जो कैपिटल है उसको आप अगर सही तरीके से अगर यूज़ नहीं करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको सही तरीके से एलोकेट नहीं करते या बजट नहीं करते, तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया, 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आपने 50,000 दिया, आपके पार्टनर ने 50,000 दिया, यहाँ पे आपने देखा कि ठीक है 50,000 1 लाख रुपए में हमने बिजनेस शुरू किया, आपने रेंट पे लिया, आपने कंप्यूटर खरीदा, सैलरी पे आपने एम्प्लॉय रखा, बहुत सब कुछ किया, आपने देखा 2 महीने में आपका पैसा खत्म। फिर आपके पास 2 महीने में अगर आपका रेवेन्यू सही से नहीं आ रहा है तो फिर आपको दुकान बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका पैसा गया, आपका एफर्ट था वो भी गया, और जितना भी आपने एफर्ट दिया था वो पानी में चला गया। तो ये आप नहीं चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बजट करना पड़ेगा कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जब आप बजट करेंगे, टिपिकली ये रूल ऑफ थंब है वो ये है, 6 से 9 महीने का जो आपका मंथली एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, लीज, फिर जितने भी आपके डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन है, एडवर्टीजमेंट है, आपका खुद का सैलरी, मेंटेनेंस, जितने भी आपका खर्चा होता है हर महीने जो आपको देना ही पड़ेगा, आपका कुछ इनकम हो या ना हो, वो जो आपका मंथली एक्सपेंस है वो 6 गुना या 9 गुना मल्टीप्लाई करके, अगर 10,000 रुपये आपका महीने का खर्चा है तो 60,000 रुपये 6 महीने का, 90,000 रुपये 9 महीने का। यहाँ पे ये मतलब ये होता है कि 9 महीने में अगर मेरा कोई कस्टमर आता भी नहीं है, मेरा अगर कोई सेल भी नहीं होता है, तो मैं आप बिजनेस को चला पाऊँगा, 6 महीना में चला पाऊँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि आपने बिजनेस आज खोला, कल से आपको बिजनेस मतलब चांदी हो जाएगा, कस्टमर आ जाएगा, बहुत पैसा कमाओगे, ये रियल लाइफ में शायद से होता है, मूवी में तो बहुत होता ही है, बट रियल लाइफ में बहुत शायद से होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर होता है तो ये लॉटरी से कम नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बजट करके चलना है, आपके पास जो भी कैपिटल है उसको बजट करके, आपको एलोकेट करके एक प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस को 6 से 9 महीने तक सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है वो कैपिटल पर्याप्त मात्रा में, अगर कैपिटल नहीं होगा
उसके लिए आपका बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे मैक्सिमम लोगों का जो बिजनेस बंद हो जाता है या उनको बंद करना पड़ता है, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनके पास कैपिटल नहीं है। तो आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त तरीके से, सही तरीके से आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कैपिटल ब्लड होता है आपके बिजनेस का। बिजनेस अगर एक ह्यूमन एंटिटी अगर कहते हैं तो उसके उसके बॉडी में अगर ब्लड यानी आपको खून नहीं रहेगा तो वो बिजनेस ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह आप ये ध्यान रखें, कैपिटल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उसी के साथ साथ उसको सही तरीके से आपको यूज़ भी करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आ रहे हैं या आपके पास कोई वो बिजनेस वाला एक्सपीरियंस नहीं है, या आप अपना इंजीनियरिंग या अपना कोर्स करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, वो ये है कि आप बिजनेस अकेले बहुत दिन तक चला नहीं पाओगे और अपने बिजनेस को अकेले अपने बलबूते पर ग्रो नहीं कर पाओगे। आप बिजनेस शुरू में आप कर सकते हो, सब काम खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको अगर आप स्केल करना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं उसको और आप ग्रो करना चाहते हैं, तो अकेले आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड टीम चाहिए होगा। वो टीम, वो ऐसा नहीं है कि आप टीम खरीदोगे आपको मिलता है रेडीमेड, आपको अपना टीम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमेशा यह ध्यान रखें कि आपको एक सक्सेसफुल अगर बनना है तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है आपका टीम। अगर आपका बहुत सही सा एक कोहेसिव टीम होता है, एक प्रोडक्टिव टीम होता है, सिस्टमैटिक टीम होता है, तो फिर आपका बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टीम से ही एक सिस्टम बनता है, सिस्टम से ही आपका बिजनेस जो है वो चलता है। तो यहाँ पे जब भी आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से अगर आते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है कि आपको यही करना है, इससे बाहर कुछ नहीं करना पड़ता है टिपिकली। बट स्टार्टअप में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो जब भी आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो आपको ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे आपको एम्प्लॉय चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक अकाउंटेंट को हायर किया, अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ अगर देख रहे हैं कि हाँ अकाउंटिंग के साथ साथ आपको थोड़ा सा मार्केटिंग भी करना पड़ रहा है या सेल्स भी करना पड़ रहा है, अगर वो अकाउंटेंट कहता है मैं तो नहीं करूँगा, मेरे जॉब प्रोफाइल में ये नहीं था, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि पहली बात, जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो आपके पास बहुत सारा कैपिटल नहीं होता है, टिपिकली बहुत लिमिटेड अमाउंट में कैपिटल होता है। तो अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, आप फ्लेक्सिबल नहीं होगा अपने काम के साथ, आपके काम के साथ, तो फिर आपका बिजनेस जो है यहाँ वहाँ से थोड़ा सा देखेंगे श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, काम सही से नहीं होगा, थोड़ा डिस्टरप्शन होगा, डिस्टर्ब होगा आपका बिजनेस, तो फिर लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस जो है उसकी ग्रोथ जो है उसको स्लो हो जाएगा और उसी के साथ साथ आपका बिजनेस जो है वो निपटने लग जाएगा, मतलब बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, आपके कस्टमर भड़क जाएंगे, आपके जो वेंडर्स है वो भड़क जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, पहली बात तो ये है कि बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे जिनके साथ आपका विजन और उनका विजन पैरेलली चलता है, मैच करता है। उसी के साथ साथ आपको ऐसे भी एम्प्लॉयज़ चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जो आपके साथ आपके बिजनेस में आपको मदद करेंगे, आपके साथ ग्रो करेंगे। आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए जो कहेंगे कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है, इससे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर वैसा होता है तो आपको पहले से बात करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका विजन और आपके एम्प्लॉय का विजन सेम होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। अगर विजन सही होगा तो आप एक साथ काम कर पाओगे, एक साथ मिलजुल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर पाओगे, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। सो चौथा पॉइंट ये है कि बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम जो होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो सेल से सॉल्व हो जाता है टिपिकली मैक्सिमम टाइम। आपका अगर मैनेजमेंट में इशू है तो आप, अगर आपका सेल बहुत अच्छा है तो आप मैनेजमेंट को पूरा रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप देख रहे हो कि आपका वेबसाइट सही से फंक्शन नहीं कर रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपका अच्छा सेल होगा तो आप पूरे वेबसाइट को फिर से रीडिज़ाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपका अगर मार्केटिंग के लिए आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपका सेल्स अच्छा होता है तो फिर मार्केटिंग में आप ज़्यादा पैसा खर्चा कर सकते हो या मार्केटिंग का जो तरीका है उसको चेंज कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपका जो भी प्रॉब्लम है, जितना भी प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो अगर आपका अच्छा सेल होता है वो उससे सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 80% जो एफर्ट है वो आपका सेल्स पे जाना चाहिए, कैसे अपना माल बेचे, कहाँ पे बेचे, किस तरीके से बेचे, और अपने टीम को डेवलप करने में। तो 80% एफर्ट जो है वो आपको उसको उसमें देना पड़ेगा जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जब आपके पास एक कंप्लीट सेल्स का सिस्टम नहीं है, आपको आपके पास एक वो नहीं है कि सेल्स का एक मतलब कस्टमर बेस नहीं है कि हाँ मेरा कुछ हो ना हो मेरे यहाँ पे सेल होगा। तो ऐसा जब तक नहीं हो रहा है तब तक आपको हमेशा फोकस करना पड़ेगा सेल्स के ऊपर, कैसे आप अपना माल बेचेंगे। 80% ऑफ योर टाइम शुड गो इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पे है।
कहाँ पे बैठता है, कहाँ पे जाता है, कहाँ पे सोता है, कहाँ पे लेटता है, कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपका एक बायर पर्सोना होना चाहिए कि आपका जो बायर है वो एक इंसान है, वो कहाँ पे जाता है, क्या करता है, किससे बात करता है, किस भाषा में बात करता है, फेसबुक में क्या करता है, ट्विटर में क्या करता है, यूट्यूब में क्या देखता है। तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एडवर्टीजमेंट करने में या उन तक पहुँचने में आसानी होगा। तो बायर पर्सोना के तरीके से आप एक सेल्स फनल बना सकते हो कि आपको कस्टमर कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा और किस तरीके से कन्वर्ट होगा और आपका जो सामान है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको कैसे लेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चूक जाते हैं और उसके बारे में अगर प्लान नहीं करते हैं, तो फिर बाद में आपने सेटअप बना लिया, टीम बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, सर्विस आपका जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो बना लिया, सब सब कुछ बना लिया, बट आपके पास कस्टमर नहीं आएगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि कस्टमर कहाँ से आएगा, कैसे लाए, किस तरीके से लाए, कौन आपका कस्टमर है। तो आपको हमेशा अपने कस्टमर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने कस्टमर को हमेशा उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और ऐसा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, सेल्स फनल बनाना पड़ेगा, जिससे आपका कस्टमर जो है वो आपकी तरफ भागा चला जाए, आपका प्रोडक्ट और सर्विस पे आपको पैसा देने के लिए वो बैठा रहे। आपको ऐसा एक सेल्स फनल बनाना पड़ेगा ताकि आपको कभी रेवेन्यू का या पैसे का कभी शॉर्टेज नहीं हो। शॉर्टेज अगर हो जाता है, कैपिटल का अगर शॉर्टेज हो जाता है, तो फिर जैसे मैंने कहा कि आप अपनी बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे और फर्दर डेवलप नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ओप्पो का फ़ोन है या कोई भी नोकिया का, शाओमी का, जो भी है, एक फ़ोन आपको मैंने दिया और एक ऑप्शन मैंने आपको दिया एप्पल, तो दोनों में से आप कौन सा लोगे? कोई किसी को भी आप पूछो, मैक्सिमम लोग आपका एप्पल लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू है। तो यहाँ पे मतलब हार्डवेयर के तरीके से या जो भी अगर देखो, शायद से आपका शाओमी या ओप्पो ही आगे है, पर फिर भी लोग एप्पल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड 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 ब्रांड। तो यहाँ पे आपने जो बिजनेस साइकिल डेवलप किया, बहुत अच्छी बात है, आपका माल बिक रहा है, उसी के साथ साथ आप एक कमोडिटी बिजनेस मतलब कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट इसी के साथ साथ आप एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो। आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप एक ब्रांड के ऊपर काम करेंगे, आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपका लोगो जो है वो यूनिक होना पड़ेगा, लोगों को, लोग जब देखेंगे आपके लोगों को तो उनको पता रहेगा, हाँ ये लोगो तो इस कंपनी का है, ये कंपनी ये करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वोडाफोन का लोगो लेते हैं, एप्पल का लोगो लेते हैं, रिलायंस का लोगो लेते हैं, टाटा का लोगो लेते हैं, लोगो देखने से ही आपको पता चल जाता है कि ये लोगो जो है ये इस कंपनी का है और ये कंपनी ये बनाती है। टाटा आपको पता है, टाटा स्टील बनाती है, टाटा आपको गाड़ी बनाती है, टाटा जो शेड होता है टिन बनाती है, टाटा बहुत कुछ बनाता है, सब कुछ ही बनाता है। उसी के साथ साथ वोडाफोन आपको पता है, आपका मोबाइल कंपनी है। उसी के साथ साथ रिलायंस, रिलायंस का कपड़ा भी है, रिलायंस टेलीकॉम है, जियो है, तेल है, बहुत कुछ करता है। तो यहाँ पे आपको अपने ब्रांड के ऊपर एक फोकस करना पड़ेगा, आपके ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करना पड़ेगा। इसको कैसे करते हैं? ब्रांडिंग के ऊपर हमारा कोर्स है skillyogi.com पे, वहाँ पे आप जाके वो कर सकते हैं, आप ब्रांडिंग के बारे में जान सकते हैं और आप ये भी सीख सकते हो कि कैसे अपने जो ब्रांड है उसको डेवलप करें, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएं। यहाँ पे बहुत ही अहम रोल होता है आपका पीआर का, पब्लिक रिलेशन का। पब्लिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि आप सामान बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट वहाँ पे अगर कुछ क्लाइंट्स हमेशा रहेंगे जो आपके सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से, आपका जो काम दे रहे हो या काम कर रहे हो उससे संतुष्ट नहीं होंगे, और आपका बिजनेस जो आप कर रहे हो यहाँ पे बहुत ही बड़ा फैक्टर जो होता है, बहुत ही बड़ा एक चंक ऑफ फैक्टर होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये जितने भी क्लाइंट हैं जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं या अपसेट हैं आपके प्रोडक्ट से, उनको कैसे एड्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप उनको सही तरीके से एड्रेस नहीं करोगे तो फिर आपका पब्लिक रिलेशन जो है वो सही नहीं बैठेगा। मसलन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके 100 कस्टमर हैं, 2 कस्टमर हमेशा ऐसे रहेंगे जो आपसे, आपके जो सामान बेच रहे हो, जो भी बेच रहे हो, उससे कभी खुश नहीं होंगे। उनको आपको कन्विंस करना है, कोशिश करना है कि उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कभी भी रूड नहीं बनना है, कभी उनको अब्यूज़ नहीं करना है, कभी उनको गाली नहीं देना है। वो अगर आपको गाली देते हैं तो कोई बात नहीं है, अब सुनो क्या दिक्कत है, आपका ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो रहा है गाली सुनने से। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप देख रहे हो कि आपका कुछ इशू है, आपका गलती हुआ है, तो आप उसको मान लो, उसको स्वीकार लो कि हाँ मेरा गलती हुआ है, आप मुझे बताइए कैसे मैं इसको सुधार कर सकता हूँ। अगर आप देख रहे हो कि आप कोशिश कर रहे हो, लाख कोशिश कर रहे हो, बट वो क्लाइंट जो है वो ईगो ईगो के वजह से आपका बात नहीं सुन रहा है, आपको गाली दिया ही जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, और उसी तरह आप देख रहे हो कि इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे एक स्कोप ऑफ नेगोशिएशन आपको हमेशा छोड़ना पड़ेगा। और ये जितने भी डिस्कशन है, अगर आपके पब्लिक में अगर उल्टा सीधा रिव्यू देते हैं तो वहाँ पर रिप्लाई करें, ताकि लोग जब देखेंगे तो
सबसे पहले जो कस्टमर होता है ना वो हमेशा नेगेटिव रिव्यू देखते हैं, तो नेगेटिव रिव्यू जब देखेंगे वहाँ पे देखेंगे आप एफर्ट लेके आप कोशिश करके उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तब वो कहेंगे नहीं बंदा या आपका जो कंपनी है कंपनी बहुत अच्छी है कोशिश करती है, बट लोगों को पता है कि हर कस्टमर को आप खुश नहीं रख सकते हो। तो इसी तरह आपका जो पीआर रिलेशन है उसको आप सही से डेवलप कर सकते हो, अच्छे से डेवलप कर सकते हो, ताकि जिससे क्या होगा आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और लोगों को आपके बिजनेस के ऊपर आपके ब्रांड के ऊपर जो विश्वास है वो भी बढ़ेगा। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो कोई भी सर्विस बेच रहे हो वहाँ पे आप एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। सोचिए कि 100 रुपये का माल बेच रहा है आप वहाँ पे 110 रुपये ले सकते हो, आपको फिर कम्पीट नहीं करना पड़ता है, एप्पल कभी कम्पीट नहीं करता है, एप्पल कभी आपका एंड्रॉयड के साथ कम्पीट करता है बट वैसा कम्पीट नहीं करता है जो ओप्पो शाओमी वीवो 2500 रुपये के लिए कम्पीट करता है, एप्पल कभी नहीं करता है क्योंकि उसको पता है उसने अपना ब्रांड वैल्यू उसी तरीके से बना के रखा है। तो आपका भी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपके ब्रांड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि लोग फिर आपका ब्रांड के ऊपर भरोसा करके आप 200 रुपये ज़्यादा भी मांगोगे लोग दे देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपना ब्रांड वैल्यू के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको पीआर पे फोकस करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आप देखोगे लोग आप पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। और छठा पॉइंट ये है कि जैसे पहले पॉइंट में कहा कि ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका तो ब्रांड वैल्यू बढ़ाना ही है, आपका ट्रस्ट फैक्टर तो बढ़ाना है, उसी के साथ साथ आपका जो टीम है जो काम कर रहा है जो एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर उनके बीच में भी एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अगर दूषित है, दूषित का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, कंप्लेन करते हैं, अरेंजमेंट नहीं है उनमें, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, सही सा सिस्टम नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो जॉब छोड़ देंगे दूसरा जॉब करेंगे। बट एज अ बिजनेस ओनर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बिजनेस आपके बच्चे जैसा है, आप अपने बच्चे को किसी अनजान आदमी के हाथ में नहीं दोगे। तो उसी तरह आपका जो बिजनेस है वहाँ पे आपको टीम के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, और टीम अगर सही से अगर फंक्शन करता है, अगर उनमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा होता है, उनको आपके ऊपर भरोसा होता है, उनको आपके विजन के ऊपर अगर भरोसा होता है तो वो आपके बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपकी टीम के अंदर ही अगर भरोसा नहीं रहेगा तो वो आपके क्लाइंट को कैसे कन्विंस करेंगे अच्छा सर्विस देंगे, ऑब्वियसली अच्छा सर्विस नहीं देंगे। और अगर आपका क्लाइंट जो है वो खुश नहीं होता है, नाखुश होता है, तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका बिजनेस जो है उसको हैम्पर होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो आप ये नहीं चाहते। यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि एक टीम बिल्डिंग प्रोसेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों के बीच में एक दूसरे के साथ आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ ग्रुप मीटिंग कर सकते हो, थोड़ा एक साथ चाय पी सकते हो, एक आप मूवी दिखवा सकते हो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ है, कभी उनको पिज़्ज़ा खिला सकते हो, कोई गिफ्ट दे सकते हो, एक दूसरे के साथ कोई जो गेम होता है वो खेल सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि एक दूसरे के साथ वो बॉन्डिंग अच्छा हो, ट्रस्ट अच्छा हो, ट्रस्ट अच्छा रहेगा, रैपो अच्छा रहेगा, तो आपका बिजनेस इजीली ग्रो कर पाएगा और लोग आपके ऊपर भरोसा कर पाएंगे क्योंकि आप खुद पे भरोसा करते हो। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और सातवां पॉइंट ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, वो ये है कि जब आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो ना, हर चीज़ की किल्लत होती है, हर चीज़ की कमी होती है, कैपिटल पैसे का हो, ह्यूमन रिसोर्स का हो, मार्केटिंग बजट का हो, सेल्स का हो, कुछ भी लेंगे ना आपका, हर एक चीज़ का किल्लत होता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई डिसीजन दे रहे हो तो ऐसे आपको डिसीजन लेना है ताकि आपका जो रिसोर्स है वो वेस्ट ना हो। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या किसी को फायर करना पड़ेगा या कोई भी ऐसा डिसीजन जो आपको आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस जैसे हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो अगर आप कोई भी जो डिसीजन लेने वाले हैं तो उसका अगर स्वॉट एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो तो उससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि हर एक डिसीजन में कुछ ना कुछ नुकसान, मतलब नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, कभी भी 100% नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जब भी आप कोई डिसीजन लोगे ना, स्वॉट एनालिसिस करोगे, तो आप देखोगे कि ये डिसीजन लेने से मेरे को फ़ायदा है या मेरे को फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे आप हमेशा फोकस करें क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, आपको रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा, आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, आपको एक कंप्यूटर खरीदना है 80,000 का, आप देख रहे हो बाद में मेरे को 30,000 का कंप्यूटर से भी काम हो जाता, तो फिर आपने 50,000 जो है वो इन्वेस्ट कर दिया विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, आपका अननेसेसरीली आपने इन्वेस्ट कर दिया
जो आपके काम में नहीं आ रहा, तो वो पैसा वेस्ट हो गया। तो आप ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, आपको बहुत ही प्रिसाइजली सोच समझ के, स्वॉट एनालिसिस करके, थोड़ा एनालिसिस करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि आपको जो वेस्टेज है वो एकदम ज़ीरो तो नहीं होगा, बट वेस्टेज जो है वो मिनिमम होगा। ये चीज़ आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इन केस व्हेन यू आर रनिंग स्टार्टअप और शुरू कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा 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 ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये आठवां पॉइंट जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट शायद से नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या चला रहे हो, यहाँ पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखोगे जितने भी सेंसेक्स में अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो, तो वहाँ पे दिखाएगा कि फोरकास्ट ऑफ अर्निंग, मतलब नेक्स्ट साल कितने कमाएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में कितना कमाएंगे। तो उनके पास क्या होता है, कैसे वो डिटरमाइन करते हैं, उनके पास पहले जो पिछले साल का डेटा, चार साल का डेटा, पाँच साल का डेटा, वो डेटा लेके फिर वो एनालिसिस करके अपना फ्यूचर जो है वो फोरकास्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, आप एक इंट्यूशन या थोड़ा सा मार्केट स्टडी करके आपने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, तो यहाँ पे आपको डेटा चाहिए होगा। जैसे कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे अगर आप केक का दुकान खोल रहे हो, तो आपको पता नहीं कितने केक खरीदने वाले कितने लोग हो सकते हैं। आपने देखा कि ये वाला दुकान चल रहा है, तो मैं शायद से स्कूल के सामने खोलूंगा तो अच्छा होगा, शायद से मेरा दुकान चलेगा, या किसी हॉस्टल के सामने या किसी कॉलेज के सामने अगर मैं खोलूंगा तो मेरा शायद से चलेगा। तो आप एक रैंडमली एक गेस वर्क लेके आप शुरू कर रहे हो, बट जैसे आप बिज़नेस शुरू करोगे आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा, आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा, आपके पास देखोगे लोग इंक्वायरी करेंगे, उनका डेटा आना शुरू होगा, आपका ईयरली मंथली डेली कितना खर्चा होता है, कहाँ खर्चा होता है, ये डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब अगर आप डेटा अपने पास अगर रखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो डेटा जो है वो आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा एक सही डिसीजन लेने में। फॉर एग्जांपल अगर आप एसी खरीदना चाहते हो, आप देख रहे हो कि मेरा दिन में एक घंटा चलेगा, फिर आपने देख आप अगर एक बहुत ही एक्सपेंसिव एक एसी लेके जाते हो, जो आपको कहेगा कि हाँ आप सेविंग कर सकते हो अगर आप डेली उसको 6-7 घंटा यूज़ करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अगर इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा पैसा देके, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर आपके पास डेटा होगा कि हाँ मेरा एक घंटा चलेगा मे बी 3 महीना पूरे साल में, तो मेरे को सस्ते में अगर कोई माल मिलता है या कोई मशीन मिलता है तो उससे मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिसोर्सेस है वो भी आप सेव कर पा रहे हो, कंजर्व कर पा रहे हो। तो आप जब बिज़नेस शुरू कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू कलेक्ट डेटा, डेटा को कलेक्ट करो, उसको एनालाइज करो सही तरीके से, ताकि आप फर्दर फोरकास्ट कर सकते हो, और आपको ये मदद करेगा सही डिसीजन लेने में। और नौवा पॉइंट ये है कि जब भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हाँ मेरा सक्सेसफुल बिज़नेस होगा, मेरे पास इन्वेस्टर्स आएंगे, मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा और मैं हवाई में या यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में मैं हॉलीडे मनाने जाऊंगा। बट ये सही है, अच्छा है, बात है, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, बट आप बिज़नेस जब शुरू कर रहे हो ना, आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मेरा पहला कस्टमर कहाँ आएगा, कैसे आएगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ब्रेक इवन कैसे करें। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जो आप खर्चा कर रहे हो वो वही आपका सेल हो रहा है, तो आपका इनकम एक्सपेंस सेम है, आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो आपका खर्चा तो कांस्टेंट है, अगर आपका रेवेन्यू सही से नहीं आ रहा तो इनिशियली 6-7 महीना आपका लॉस में ही जाता है, या बहुत ही मतलब आप ब्रेक इवन पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए कि पहला कस्टमर कहां से लाएं, और यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपका 10वां पॉइंट है कि पहला कस्टमर कहां से लाएं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे रीच करें, क्योंकि पहला कस्टमर पाने से क्या होता है कि एक आपको मोरल बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा पहला कस्टमर, मैंने इतना मेहनत करके बिज़नेस शुरू किया, इतना लोगो ब्रांडिंग ये सब वगैरह वाला फलाना फलाना खर्चा करके मेरा पहला कस्टमर मिला, मैं बहुत खुश हूँ। तो पहला कस्टमर मिलना बहुत ही बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, बट एज अ एंटरप्रेन्योर जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, पहला कस्टमर पाना बहुत ही बड़ी बात है। कोई आपको आके पैसा दे रहा है, आपके जो आप जो करना चाहते हो उसको लेके आपने बिज़नेस शुरू किया, आप पे कोई भरोसा करके आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। और उसी के साथ साथ ये फर्स्ट कस्टमर हो गया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड जो पॉइंट है वो है ब्रेक इवन, कि मेरा मंथली 10,000-20,000 रुपये खर्चा हो रहा है, आपको अगर 1,000 रुपये का सामान बेच रहे हो तो आपका 20 कस्टमर आपको चाहिए, तो ब्रेक इवन मुझे करना है, ब्रेक इवन मुझे करना है, ब्रेक इवन मुझे करना है। तो आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे ब्रेक इवन करना है, 20-25-30 जितना भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा बिजनेस करते हो, कितना आपका खर्चा है। तो आपका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये है कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ब्रेक इवन पॉइंट रीच करना है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप ग्रोथ करोगे और ग्रोथ के बाद आप स्केल करोगे। तो ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अपना जो बिज़नेस है स्टार्टअप है, इसका सफ़र को आप शुरू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और लास्ट में स्केल कर सकते हैं, और बाद में इसको सेल कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फेस करेंगे अपने बिज़नेस में, स्टार्टअप बिज़नेस में, और
मैं आशा करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स जो डिस्कस हमने किए हैं, चैलेंजेस जो हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको हेल्प करेगा, आपको अवेयर करेगा, आप में जागरूकता फैलाएगा जब आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन है, क्वेरी है, जो भी अगर पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा वेबसाइट है skillyogi.com, वहाँ पर जाके आप कोर्सेस ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं। क्या कोर्सेस हैं? स्किल बिल्डिंग कोर्सेस हैं, जैसे फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं, सेल्स सीखना चाहते हैं, बट पता नहीं कैसे सीखेंगे, हम ये स्किल आपको सिखाएंगे। उसी के साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि कैसे इससे आप बिजनेस कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हो और नौकरी पा सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेस है, आप चेक कर सकते हो skillyogi.com पे जाके। और हमारे फेसबुक पे आप लाइक कर सकते हो हमारे पेज में, फर्दर अपडेट्स पाने के लिए ग्रुप है, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो अपने क्वेश्चन आंसर के बारे में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।